खबर आजमगढ़ जिले के अहिरौला थाना क्षेत्र के मतलूबपुर गांव से है, जहां पट्टीदारी विवाद में हुआ है कुछ ऐसा कि एक परिवार को सड़क के किनारे बितानी पड़ी रात। दूसरे पक्ष ने घर में लगा दिया है ताला। बता दें कि आजमगढ़ जिले के अहिरौला थाना क्षेत्र के मतलूबपुर गांव निवासिनी ने बताया कि मेरा और मेरे विपक्षी का विवाद काफी दिनों से चल रहा है। मामला दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय से स्टे भी है। इसके बाद भी मेरे विपक्षी द्वारा हम लोगों को घर से बाहर निकालकर घर में ताला लगा दिया गया। घर में मेरी बेटी और एक गाय पड़ी हुई है। हम पति पत्नी को रात सड़क पर बितानी पड़ी। स्थानीय पुलिस द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला। उल्टे ही मेरे पंकज लड़के ने 112 को सूचना दी थी, उसे अहिरौला थाने पर बैठाया गया है। मेरी एक भी सुनी नहीं जा रही है। हम लोग बिना खाए पिए कल से सड़क पर हैं। पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? रेनु गुप्ता। कहाँ घर है? अहरावला मतलूपुर। क्या मामला है? थाने पे थी आप कल से? थाने पे तो वही झगड़ा कर घर से निकाल दी थी। कौन निकाल दिया? हमारी देवरानी सुषमा देवी। क्यों निकाली थी? वही घर का मैं जो मुकदमा चल रहा था, अपने लड़के की शादी है 3 दिसंबर को, तो कह रही हम शादी नहीं करने देंगे। क्यों? वो कह रही हमारा है, हम यहाँ से नहीं करने देंगे। कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है उसका? मुकदमा चल रहा है। तो पूछा स्टे उस्टे? हाँ, स्टे आया है। तो ताला बंद करने पर आप लोगों ने पुलिस को सूचना दिया? पुलिस के पास भी सब लोग गए, पुलिस भी आई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 112 सूचना दिए थे आप? 112 से हमारा लड़का फोन किया था। 112 आया, उसके बाद लड़के को भी ले गया, बंद कर दिया। कल रात से उसको बैठाए हैं, बंद किया। मतलब सूचना देने वाले को ही बंद कर दिया? हाँ जी। तो थाने पर कोई सुनवाई हो रही है कि आप? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप ताला बंद कर, आप लोग कहाँ थे तब? हम लोग रोड पे थे। हमारी लड़की रात कहाँ बिताए आप? रोड पे बिताए थे। हमारे पति रोड पे बिताए थे। लड़की अंदर है और गैया भी एक अंदर है। वो लोग भूखे हैं, हम लोग भी भूखे प्यासे रोड पे थे। कहाँ जाएंगे जब अंदर से सब हमारा सामान पड़ा है। लड़की की शादी थी, सब सामान खरीदा गया था और सब फेंक बहा दी है। ताला तोड़ के अंदर कर ली है, घुस गई है, अपना सब ले ली है। निकाल के जो साड़ी कपड़ा से बहाई थी, फिर जब थाना पुलिस की बात हुई तो फिर अंदर कर दे रही है, फिर बाहर कर दे रही है, क्या ले जा रही क्या नहीं। अब भाई हम अंदर जाएंगे तभी पता चलेगा। बाहर से ताला बंद है? बाहर से ताला बंद है। आप लोगों को जाने नहीं दिया? नहीं जाने दे रही। रोड पे आप लोग बिताए? हाँ, रोड पे थे। क्या चाहते हैं आप लोग? भाई ताला खोले, हम अंदर जाए। आप लोग काफी परेशान है, पुलिस सुन रही कि नहीं? परेशान, पुलिस नहीं सुन रही है। पुलिस 2-3 बार आई लेकिन कुछ नहीं कर रही है। ठीक है? ताला क्या मामला? वही मतलब तू है, आप इनके पति हैं? हाँ। क्या मामला, कैसे क्या हुआ? बस वही हुआ, इतना थाने में इतना सुनाई नहीं बोला पाते आपका। हम बाहर थे या दुकान पे थे? दुकान पे थे और हम सामान लेने गई थी, बेटी अंदर थी। तो ताला बंद है तो रात कहाँ गुजारे आप? रोड पे। रोड पे? हाँ, रोड पे सोए थे। गाड़ी उड़ी नहीं गया, साइड में थे? साइड में। कौन कौन अंदर है घर के? बेटी लड़की है हमारे, लड़की है, गाय है, गाय है, सब लोग बिना खाए वैसे ही पड़े हैं। सब पड़े हैं। हमारी भी तबीयत खराब है, शुगर का मरीज है, हार्ट का मरीज है, मरीज है। दवा वा सब अंदर पड़ा है लेकिन कुछ भी लेने नहीं दे रही है। नहीं दे रही। हाँ, सब कुछ अंदर पड़ा है। अभी हम कल से ना नहाए हैं ना खाए हैं कुछ। हमारा कोई भी परिवार कुछ भी नहीं खाया पिया है, घुसने नहीं दे रही है। पुलिस सहायता एकदम नहीं कर रही है? पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। पुलिस आती है, कह दे ताला तोड़ो, नहीं तोड़ती, बस पुलिस से इतना कह के चल जाती है।